वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों आज अपने पास एक डीवीआर की सप्लाई आई है जो कि डेड है, और आज मैं आपको दिखाऊंगा इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं और बिगनर स्टूडेंट है तो मेरे चैनल पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सही दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी एज इट इज कंडीशन दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको पावर से कनेक्ट करता हूँ, तो जब मैं पावर कनेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी मुझे लाइट शो नहीं हो रही है, जबकि ये सप्लाई जब चलेगी तो यहाँ पे एलईडी ग्लो होनी चाहिए। और देखेंगे ये एक चैनल की सप्लाई है, और अगर मैं बात करूँ तो देखेंगे एसएमपीएस है, और एसएमपीएस से मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। और अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन देखूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 96 वाट लिखा हुआ है, और ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, और ये कम्प्लीट डेड है। तो इसको अब हम सबसे पहले खोलेंगे, सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, और इसको हम ओपन करके देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसके बारे में पता चले कि हम सप्लाई को कैसे रिपेयर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने ढक्कन को खोलना है, और जो इसकी सप्लाई है वो इस तरीके से है। तो सबसे पहले हम सप्लाई को यहाँ से निकाल लेंगे बाहर को, और देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे मैंने सप्लाई को बाहर निकाल लेना है, और सबसे पहले हम इसमें कूल टेस्टिंग करेंगे, और कूल टेस्टिंग के माध्यम से ये देखेंगे कि यहाँ से जो आप देखेंगे 220 है, ये यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये लाइन फिल्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे फिर से एक कैपेसिटर लगा है, और ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। और ब्रिज रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। और आप देखेंगे यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा है 450 वोल्ट 33 UF का, जो कि प्योर डीसी कन्वर्ट करने। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एसटीआर लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे इसका ऑटो कपलर है, फीडबैक सिस्टम है स्विचिंग करने के लिए, और आप देखेंगे जो हमारी डीसी कन्वर्ट हुई थी, और इस एसटीआर के द्वारा दोबारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में स्विचिंग होके जाएगी। और जब ये जो ट्रांसफार्मर है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये जो हमारी डीसी कन्वर्ट हुई है उसको आउटपुट 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा एसी में। और फिर देखेंगे यहाँ पे आउटपुट में डायोड लगा होगा, देखेंगे ये हमारा आउटपुट डायोड लगा हुआ है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा 12 वोल्ट का, और फिर से यहाँ पे कैपेसिटर लगा है फिल्टर करने के लिए। और जब यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगी तो हमारी जो 12 वोल्ट है वो आउटपुट हो जाएगी इन पॉइंटों से। आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव का पोल है, और एक यहाँ पे पॉजिटिव का, तार हमारी टूट गई है। तो सबसे पहले मैं इसको चेक करूंगा इसके फ्यूज को, तो मैं मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे रख लेता हूँ। तो देखिए मैंने मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे रख लिया है, और यहाँ पे जो इसका फ्यूज लगा हुआ है तो इसको चेक करेंगे। देखेंगे यहाँ पे मुझे फ्यूज ओपन मिल रहा है, तो अब ऐसा नहीं है कि आपने नया फ्यूज लगाया और लाइन चालू कर दी, क्योंकि देखिए फ्यूज उड़ने का कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो हो सकता है हमारा जो ये ब्रिज रेक्टिफायर है इसमें शॉर्टिंग हो, तो हम वन बाय वन इन डायोड की टेस्टिंग करेंगे मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे रख के। तो देखिए यहाँ पे मुझे कोई बीप नहीं मिलती है, इसमें भी कोई बीप नहीं मिलती है, इसमें भी कोई नहीं मिल रही, इसमें भी कोई नहीं मिल रही। तो इसका मतलब है कि ये डायोड मेरे ओके हैं। अधिकतर जब हमारे डायोड शॉर्ट होते हैं तो दो डायोड शॉर्ट होंगे पेयर में, तो यहाँ पे कोई भी डायोड मेरा शॉर्ट नहीं है। और मैं यहाँ पे जो हमारा मेन कैपेसिटर है इसकी लाइन पे चेक करूंगा, तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पे बीप मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि जो मेरी डीसी है उसमें शॉर्टिंग थी, इसी वजह से मेरा फ्यूज ओपन हुआ है। तो यहाँ पे पॉसिबल ये है कि जो मेरा एसटीआर है ये शॉर्ट हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस एसटीआर को रिमूव करूंगा, देखेंगे यहाँ पे एसटीआर में बीप आ रही है। तो सबसे पहले मैं इस एसटीआर को निकाल के देखूंगा, अधिकतर यही शॉर्ट होता है हमारा। तो यहाँ पे हम एसटीआर को रिमूव करेंगे, तो देखेंगे आयरन की मदद से हम इसमें जो शोल्डर है उसको निकाल लेंगे। देखेंगे यहाँ पे मेरा एसटीआर निकल गया है, और मैं चेक करूंगा कि मेरा एसटीआर में शॉर्टिंग है, अगर इसमें शॉर्टिंग है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे रखा है, फिर चेक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कोई भी मुझे शॉर्टिंग नहीं मिल रही है, तो अभी मैं दोबारा से एसटीआर वाली लोकेशन पे चेक कर रहा हूँ, मुझे बीप मिल रही है, यानी कि शॉर्टिंग तो अभी भी है। तो अभी कैपेसिटर वाले पॉइंट पे मुझे शॉर्टिंग मिल रही है, तो यहाँ पे मैं इस कैपेसिटर को रिमूव करके चेक करूंगा। देखिए इस कैपेसिटर को रिमूव करने के बाद अगर हमारी शॉर्टिंग चले जाती है तो हमारे प्रॉब्लम ओके हो जाती है, और अगर अभी भी शॉर्टिंग है फिर उसको ट्रेस करना पड़ेगा। हालांकि पोलराइज कैपेसिटर, जो ये पोलराइज कैपेसिटर है, बहुत कम शॉर्ट होता है,
तो देखिए जब मैं लाइन पे लगाता हूँ मेरी शॉर्टिंग चले गई, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे शॉर्टिंग है। मैं इसको चेक करूंगा, देखेंगे मुझे यहाँ पे कंप्लीट बीप मिल रही है। इसका मतलब है मेरा जो ये सिलेंडर कैपेसिटर है पोलराइज, ये शॉर्ट है और ये 450 वोल्ट का है, 33 UF का है। तो यहाँ पे मुझे एक तो इसको रिप्लेस करना है और दूसरा फ्यूज जो है उसको रिप्लेस करना है। तो STR को मैं दोबारा से लगा देता हूँ, देखते हैं। देखिए STR मैंने लगा दिया है, थोड़ा सा पेस्ट लगा के इसको सोल्ड कर देंगे। सोल्डरिंग आपने अच्छे से करनी है। तो अभी मैं इसको सोल्ड करके इसमें कैपेसिटर भी लगाऊंगा। देखिए मैंने STR इसका सोल्ड कर दिया है और इसके बाद यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर है 450 वोल्ट का, ये मैं रिप्लेस करूंगा। देखेंगे अब यहाँ पे मेरे पास जो दूसरा कैपेसिटर है ये 400 वोल्ट 68 UF में है, तो इसको हम इसका देखेंगे। जो ये वाली लाइन है नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव में ही लगाएंगे इसको, और देख के लगाना है आपने, क्योंकि अगर ये उल्टा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। नेगेटिव को मैंने नेगेटिव में लगाया है, क्योंकि जो पोलराइज कैपेसिटर होता है उसका अपना प्लस माइनस होता है। तो देखेंगे यहाँ पे मैं इसको सोल्डरिंग अच्छे से करके इसकी एक्स्ट्रा लेग को कट कर दूंगा। देखेंगे अब यहाँ पे मैंने फ्यूज को लगाना है और फ्यूज को लगा के इसको चेक करते हैं। फ्यूज मैंने निकाल दिया है, क्योंकि आप देखेंगे ग्लो हो चुका है, जल गया है फ्यूज ये। तो यहाँ पे हम नया फ्यूज लगाएंगे। देखेंगे यहाँ पे हमारे पास फ्यूज पड़े हुए हैं और ये नया फ्यूज हम इसमें लगाएंगे। देखिए जब भी यहाँ पे मोटा फ्यूज लगाते हैं तो इससे सप्लाई के खराब होने के चांस रहते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे मैं लाइन चालू करूंगा, और जब भी आप SMPS या कोई भी सप्लाई को चेक करते हैं तो सीरीज में लगा के चेक करें। अगर कोई शॉर्टिंग होगी तो हमारा बल्ब जल जाएगा और हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने लाइन को सीरीज में जोड़ दिया है और आप देखेंगे यहाँ पे लाइट जल गई है, देख सकते हैं लाइट जल गई। इसका मतलब हमारा ये सप्लाई में जो प्रॉब्लम थी वो हमारे कैपेसिटर के शॉर्ट होने की वजह से थी। तो अब हम इसे पैक करेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हम इन्हें फिक्स कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर लिया है और दोबारा से मैं इसकी लाइन देके आउटपुट चेक करूंगा। देखेंगे मैंने डायरेक्ट लाइन में दे दिया है, LED मेरी ग्लो हो गई है और मैं इसके आउटपुट जो है 12 वोल्ट चेक करूंगा। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पर रख लेता हूँ और आप देखेंगे नेगेटिव को नेगेटिव में रखूंगा और पॉजिटिव को पॉजिटिव में रखूंगा। अगर मेरा प्लस बराबर आता है इसका मतलब लाइन मेरी ओके है और तार भी मेरी सही लगी है। और यहाँ पे 13.21 की वोल्टेज दिखा रहा है जो कि ओके है, लोड पड़ने पर 12 वोल्ट आ जाएगा। तो इसको हम फाइनली पैक कर देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें नई नई वीडियो अपलोड होंगी ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।